नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटो में। बोन बहुत ज़्यादा सवाल इस पे आ रहे हैं और देखिए मैंने भी बहुत दिनों से इस पे कोई वीडियो बनाया नहीं और मैंने भी इस पे कोई बहुत ज़्यादा चर्चा की नहीं। उसकी वजह भी थी क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ था नहीं जो कि मैं बोन के बारे में आपको कुछ बता सकूं। सिवा इनमें भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे क्योंकि एक्चुअली बोन और सिवा एक ही इकोसिस्टम के प्रोडक्ट हैं तो दोनों में बात करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बोन को लेंगे उसके बाद मार्केट को लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो हमारी कम्युनिटी में बोन की है क्योंकि बोन होल्डिंग में, आप देखिए मेरे पास भी होल्डिंग में है लेकिन मैंने एक सीन और भी आपको हमेशा इसमें रखा हुआ है कि भाई देखो प्रॉफिट बुकिंग जरूर रखो। ये जो लॉन्ग टाइम होल्डिंग है ना कहीं सरदर्द तो है। देखिए प्रॉफिट मिलता है, मैं ये नहीं कहता हूँ प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस होना चाहिए और दूसरा आपकी क्षमता ये होनी चाहिए कि भाई आप कितना सह सकते हो, कितना ये जो बियर मार्केट है ना उसको सह सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है जिनमें कुछ पीछे लगता है कि है कुछ, वही सबसे ज्यादा आजकल दुखी कर रहा है। आप चाहो तो मार्केट में कोई सा टोकन ऐसा उठा के देख लो जो दुखी कर रहा है, जिसमें बहुत कुछ हम अच्छा देख रहे हैं, जिसके पास ब्लॉकचेन है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन वो जा कहीं नहीं रहा। तो उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं बोन भी आता है। अब बोन फिलहाल जिस रेंज पर है मेरे भाई, ये रेंज ऐसी है जहां से इसको मेरे हिसाब से तो नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहां पर आप 23 जनवरी को भी सेम इसी रेंज पर था। अब 23 जनवरी 2024 उसके बाद इस पे 5 फरवरी 2024 और इसके बाद 23 फरवरी 2024 और इसके बाद आप ये जो 5 बार और इस लाइन को ये टच कर चुका है, यानी कि यहां से नीचे बोन नहीं जा रहा है। ये 5 तो आप कन्फर्म देख रहे हैं जो मैंने आप ये राउंड जो लगाए हुए हैं यहां पर, देखिए 1, 2, 3, 4 ये 5वीं बार फिलहाल यहां इस सपोर्ट पे आके टच मारा है। तो अब जनवरी से लेके और फिलहाल आपका जून चल रहा है, आधा जून हो गया, ये $1.8 से जहां से गिरा है $1.8 से फिलहाल आ गया आपका $0.54 पर, यानी कि $1 के आसपास भी कहीं नहीं बचा, उससे भी बहुत नीचे चला गया। तो क्या इससे नीचे जाने के चांस हैं? तो मेरे भाई देखिए क्रिप्टो करेंसी होने को कुछ भी हो सकता है। मैं यहां ये नहीं कह सकता कि इससे नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छा जिनका वैल्यू थी और वो आज जीरो हो चुके हैं। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में ये कुछ नहीं कह सकता कि नहीं जा सकता, मैं भी जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए BTC थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, सिवाय इनमें कोई अच्छी एक तरह से डेवलपमेंट वाली कोई बात आ जाए या इनके इकोसिस्टम के जो बड़े बड़े लोग हैं वो कोई आके कुछ कमेंट करें। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है क्रिप्टो करेंसी में, जब आप कोई कमेंट नहीं करते, जब आप कुछ कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तब फिर प्रोजेक्ट की यही हाल हो जाती है। तो फिलहाल आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इनके ट्विटर हैंडल पर कहीं भी चले जाइए, इनके डिस्कॉर्ड पर चले जाइए, टेलीग्राम पर चले जाइए, क्या कोई बहुत बड़ा ये कोई डिस्कशन हो रहा है इन प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि बोन हुआ, सिवाइन हो गया, रिलीज हो गया, इनके बारे में क्या, सिवेरियम, क्या इनके बारे में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ना ही कोई चर्चा हो रही है कोई बहुत बड़ा ये कुछ डेवलपमेंट करें, कुछ ना करो डेवलपमेंट, कम से कम कम्युनिटी के आगे इंटरेक्ट तो करो, कम्युनिटी से बातचीत तो करो। तो उसी से बहुत चीज मालूम पड़ जाती है क्योंकि कमेंट बहुत इंपैक्ट डालते हैं क्रिप्टोकरेंसी में। देखिए इलोन मस्क एक कमेंट करता है किसी के ऊपर भी, वही आसमान छूने लगता है। तो भाई जिनका प्रोजेक्ट है अगर वो कमेंट नहीं करेंगे, अगर वो नहीं बताएंगे कम्युनिटी को चल क्या रहा है, तो भाई कम्युनिटी को कोई अंतर्यामी तो है नहीं जिसको ये पता चलेगा कि हाँ जी ये हो रहा है। तो फिलहाल देखिए बोन में जिस रेंज पर है, जिस सपोर्ट पे ये बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यहां से और इसको नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से नीचे जाएगा तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फिर तो इसके साथ सिवाइनू को भी नीचे जाना पड़ेगा। अगर ये जाएगा तो फिर सिवाइनू भी नीचे जाएगा, तो फिर कहीं इकोसिस्टम में इनको फिर आके बोलना पड़ेगा, तब जाके ये देखिए फिर ऊपर को आ सकता है। फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा भाई, जिसके पास मोटा अमाउंट एक्सेस में पड़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जरूरत वाला, एक्सेस में पड़ा हो, तो यहां पर ठीक ठाक हिसाब किताब है आपको एवरेज करने का। मैं आपको कोई बाय करने की वो कहता सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब ये कंडीशन हो जाए तो फिर देखिए सलाह देना भी ठीक नहीं है। यहां मैंने वही कहा कि अगर आपके पास एक्सेस फंड है तो यहां एवरेज आप कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा एवरेज किया है क्योंकि मेरी दोनों की दोनों बाइंग आप देख रहे हैं लॉस में है भाई। ये तो मैं हर वीडियो में आपको जब भी बोन का बनाया आपको बता चुका हूं कि मैंने थोड़ा सा एवरेज किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दीजिए क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट है हो सकता है थोड़ा सा और डंप मार जाए। क्योंकि अगर BTC मान लीजिए जो आपका 66,000 कल 66 और 65 के बीच में भी गया था, अगर मान लीजिए यही 61 या 62 तक भी गया तो बोन भी आपका नीचे जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो गई है बोन सिवा स्वयं। तो भाई देखो यहां पर
फिलहाल जिस कंडीशन में है वो कंडीशन एक ऐसी है जहां पर इसको भी रोकना चाहिए, नीचे न जाए ऊपर न जाए, लेकिन यहां पर इसको 0.52 और 54 के बीच में यहां पर इसको रोकना चाहिए। तो दो लेवल यानी कि इसके बीच में कहीं इसको भी ठहरना चाहिए जो मार्केट की सिचुएशन है। अगर कोई पीछे से डेवलपमेंट वाली अच्छी चीज आती है, कोई अच्छी खबर आती है, तो बोन आपको फिर से स्पाइक होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इंतजार करना ही पड़ेगा अभी, और कोई चारा नहीं है मेरे भाई। आप कितना भी आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी इसके बारे में क्या बोलूंगा, क्योंकि टीम मुझसे डायरेक्ट तो पूछती नहीं है। तो भाई जिस तरह से आप पूछते जैसे, तो भाई मेरी, मैं तो खुद कह रहा हूं मेरी दोनों होल्डिंग जो है लॉस में है, तो इसमें मैं ही क्या कर सकता हूं, लॉस में है तो है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब यहीं पर अगर हम शिवायनु की बात करते हैं, तो देखिए शिवायनु भी फिलहाल उसी कंडीशन पे जहां पर बोन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है जहां पर अभी ये सपोर्ट लेके बैठे हैं, वही सेम सिचुएशन आप देखिए शिवायनु बन रही है। शिवायनु भी ये मान लीजिए 4x0, 2x0 की सीरीज पर ये मान लीजिए कहां पर 4 बार इस सपोर्ट को टच कर चुका है, लेकिन चारों बार यहां से फिर जो है बाउंस बैक हुआ है। अब 4 बार में देखिए इस बार थोड़ा सा ब्रेक तो हुआ, क्यों, क्योंकि बीटीसी ने एक अच्छा खासा डंप मारा, तो उसकी वजह से ये पैनिक तो आया लेकिन फिर से रिकवर किया। अब यह शिवायनु के साथ थोड़ी सी एक सिचुएशन अलग बनती है, और वो सिचुएशन बनती है इथेरियम के साथ, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे उनकी ब्लॉकचेन पर जो प्रोडक्ट है, ये जो कॉइन है, टोकन है, तो देखिए वो क्या है कि जैसी इथेरियम में स्पॉट की जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होगी, अभी क्या है अप्रूवल ही तो हुआ है, अभी इथेरियम का जो है ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ स्पॉट में, तो यहां जब उसमें वो एक स्पाइक आएगा तो उसके साथ देखिए इथेरियम पर जितने भी ये टोकन हैं वो सब आपको पंप होते हुए नजर आएंगे। उसमें आपका पेपे भी है और आपका शिवायनु भी है, ये दोनों के दोनों आपको जो है उछलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये सीन बोन के साथ नहीं है, ये सीन केवल शिवायनु के साथ है। तो शिवायनु में देखिए फिर एक कम्युनिटी भी बहुत एक अलग है, तो यहां देखिए अभी जो जैसे 4x0, 2x0 को सीरीज चल रहा है, ये मुझे लगता है कि शायद पहले इसको जो है 4x0, 2x3 और उसके बाद 4x0, 2x6 यानी यहां तक प्राइस को अगर इथेरियम का जो इंपैक्ट आएगा तो यहां तक इसको जाना चाहिए। अभी तो फिलहाल जितने भी हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो सबके सब रो रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं, चले या ना चले, तो वो वाली सिचुएशन हो गई है सबके साथ। फिलहाल जो एक मोटिव या ये कह के नैरेटिव जो बन गया है वो बन गया सारा माइनिंग प्रोडक्ट का, टैप टू अर्न जो बीच में आ गया है, इसने कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज्यादा कम्युनिटी का डाइवर्ट कर दिया है। आप लोग भी देखिए यूट्यूब पर जो है ये चीज महसूस कर रहे होंगे कि मोस्टली लोग जो है आजकल टैप टू अर्न की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या बीच में कहीं ना कहीं एक सीन कैसे क्रिएट होते हैं, कोई ना कोई एक बाहर आती है, तो फिलहाल क्या है टैप टू अर्न की एक बाहर चल रही है, और इसी की वजह से आपका जो टोन है, तो टोन देखिए आज $8 से भी ऊपर चल रहा है। तो क्या है, एक वो हाइप जो क्रिएट हो रही है टैप टू अर्न, दूसरा जो सारे के सारे टोन ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो ये हाइप क्रिएट हो रही है टोन की। तो फिलहाल मैं तो ये कहूंगा कि देखिए जो मार्केट में चल रहा है चलने दीजिए, आप टोन ब्लॉकचेन पे जो भी प्रोडक्ट हैं उन पे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए। जैसे पीछे आपने देखा सोलाना ब्लॉकचेन का यूज हुआ, जो भी प्रोडक्ट आया हवा में उड़ा, वही सीन कहीं ना कहीं अभी टोन ब्लॉकचेन के साथ चल रहा है। तो उस पर जो भी अब प्रोडक्ट अभी आजकल टैप टू अर्न में आ रहे हैं या वैसे डायरेक्ट जो भी आ रहे हैं, देखिए उनमें एक अच्छा सीन बन ही रहा है, तो आप उन पर कुछ फोकस कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि शायद शिवायनु और बोन की आपकी जो भी क्वेरी है शायद पूरी हो गई होंगी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि वेट एंड वॉच, एक्स्ट्रा पैसा और डालने की जरूरत है नहीं, आपका जो पड़ा हुआ है उसे पड़ा रहने दीजिए, बाकी और चीजों पर फोकस कीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समय के साथ चलना चाहिए, किसी न किसी नैरेटिव के साथ चलना चाहिए, और जो करंट में चल रहा है उसके साथ चलो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।